हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीजीएल के लिए टॉप 25 यहाँ पे जीके जेएस का फुल प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ, तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से पहली कौन सी घटना घटी थी, ठीक है। तो चार ऑप्शन को देखते हैं जरा, 26 नंबर प्रश्न है। सबसे पहले देखते हैं जरा, आपका मानव का चंद्रमा पर उतरना, ठीक है, तो कब हुआ था, 1969 में, ठीक है। देखते हैं फिर सबसे पहले क्या घटा था, ठीक है। फिर इसमें लिखा है क्लोनिंग द्वारा डॉली का पैदा किया जाना, ठीक है, भेड़ वाला सिस्टम था, क्लोनिंग द्वारा भेड़ का जन्म, ठीक है। तो 1996 है, ये क्वेश्चन आप करा चुके हैं, ठीक है, 1996। मानव वंश सूत्र परियोजना का पूरा होना कब हुआ था, तो बताइए जरा, इसका तो 2003 में हुआ था, तो काफ़ी देर में हुआ था 2003 में। अब ये कि एकीकृत चिप का अन्वेषण कब किया गया था, 1958 में किया गया था। कौन सबसे पहले घटना घटी, 1958 वाली, फिर ये, तो 1958 मतलब एकीकृत चिप का अन्वेषण किया जाने वाला, डी ऑप्शन राइट है। अगला दिया गया यहाँ पे, वह स्थान कौन सा है जहाँ विश्व का सबसे बड़ा गुम्बज जो होता है, गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है, बीजापुर में स्थित है। ये क्वेश्चन सभी को आता होगा, ठीक है, बीजापुर कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक लिख लेना, ठीक है। चलो भाई, इसका क्षेत्रफल कितना, 18,225 वर्ग फीट है, ठीक है। और इसका निर्माण कब किया गया था, बताइए जरा, 1656 ईस्वी में किया गया था। किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछ ले तो, आदिल शाह ने, ठीक है, आदिल शाह सुल्तान कौन थे, आदिल शाह ने किया था बीजापुर का, गोल गुम्बज का, ठीक है, बीजापुर में जो कर्नाटक में है। अगला देखते हैं, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, थॉमस कप जो होता है, थॉमस कप, 28 नंबर प्रश्न है, इसका डी ऑप्शन बैडमिंटन राइट है। अगला चलो, अगला दिया गया, धार्मिक त्यौहार दशहरा है जो, निम्नलिखित में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है दशहरा, ठीक है, 29 नंबर प्रश्न का, वैसे कर्नाटक में, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, 30 नंबर का ए ऑप्शन एलेक्सी लियोनोव है जो आपके बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री था, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया, अब निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, 31 नंबर प्रश्न का, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन डी पार्ट है, मथुरा राइट ऑप्शन बन जाएगा। और ये तीन आते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, लेकिन मथुरा नहीं आता है। अगला दिया गया, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, 32 नंबर प्रश्न है, इसका जो बी ऑप्शन है वॉल्व था, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा याद कर लेना, या फिर कह सकते हो वॉल्व, कह सकते हैं निर्वात, ठीक है, निर्वात या वॉल्व एक ही चीज़ है, ठीक है, का उपयोग किया गया था। अब एनिया का आपको पता है कि 1946 में निर्वात किया गया था, 1946 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। सबसे पहला कंप्यूटर आपका इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन था, एनियक था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कंप्यूटर, फुल फॉर्म ये था, ठीक है। चलो भाई, अगला दिया गया, आप पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो बता दिया राइट ऑप्शन तने से, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता, तो चार ऑप्शन को देखिएगा फिर बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो सौर ऊर्जा का, तो भाई इससे कभी प्रदूषण नहीं फैलता है, ठीक है, राइट ऑप्शन सी पार्ट है। अगला दिया गया यहाँ पे 35 नंबर, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है, 35 नंबर का यहाँ पे सी ऑप्शन जो है रुधिर विषाणु, ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन बन जाएगा सी पार्ट, 35 का सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला दिया गया यहाँ पे, देखो लिखा है कि एमोनेल एक मिश्रण है, एमोनेल जो होता है वो किसका मिश्रण होता है, 36 नंबर प्रश्न है, इसका जो राइट ऑप्शन ए पार्ट, एल्युमिनियम पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट का होता है, ठीक है, बम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। रेडियोएक्टिविटी की परघटना की खोज किसने की थी, 37 नंबर प्रश्न है, इसका जो डी ऑप्शन है बैकुरेल ने, हेनरी बैकुरेल ने रेडियोएक्टिविटी की परघटना की खोज की थी। अगला प्रश्न दिया गया, समांतर अर्थव्यवस्था या काले धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है, 38 नंबर का भी ऑप्शन, मौद्रिक नीतियाँ कम प्रभावी हो जाती हैं। अगला दिया गया, कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग क्यों होती है, 39 नंबर प्रश्न है, इसका डी ऑप्शन उपरोक्त सभी प्रयोजन, ठीक है, ये जो परिकल्पित प्रयोजन, लेन देन प्रयोजन, पूर्व उपाय प्रयोजन। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, ठीक है, 40 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी पार्ट, जो मिनी संविधान आपका 42वां संविधान संशोधन माना जाता है, जो इसका जो 1976 में अधिनियम हुआ था, ठीक है, 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसको मिनी संविधान कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट है। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, 41 नंबर प्रश्न दिया गया, बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा,
जनता पार्टी का शासनकाल कब से कब तक चला था? 1977 से 1979 चला था, 2 साल केवल। अब उसी दौरान पूछा गया है, तो नीलम संजीव रेड्डी जो थे, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। अगला देखते हैं, अगला दिया निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? 42 नंबर प्रश्न है, इसका जो डी ऑप्शन है पारिस्थितिकी संतुलन के कारण, ठीक है। अगला है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है, राज्य कौन सा है? 43 का बी ऑप्शन बिहार है। अगला दिया, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान जो कृषि है तो पहाड़ी के ढलान पर की जाती है, पहाड़ी के ढलान पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 45 नंबर प्रश्न है, तो देखते हैं जरा, जो कोड इग्नोल जो है आपका तमिलनाडु से रिलेटेड नहीं, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल सही, माउंट आबू राजस्थान सही है, शिमला उत्तर प्रदेश सही है, ठीक है। लेकिन जो सी ऑप्शन लिखा है यहाँ पे, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे आपका दोस्तों क्या होगा, देखो कोड इग्नोल है जो तमिलनाडु से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे आप लोग गलत ये काट लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा है आपका, अगला दिया गया यहाँ पे, नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें होकर वे बह रही हैं, ठीक है। 46 नंबर दिया गया, तो देखते हैं जरा, ये लिखा रोटरडम, रोटरडम आपका किससे है? राइन से है। 3, पेरिस किससे है? सीन, पेरिस में सीन नदी किनारे हैं, ठीक है। तो 1, बुडापेस्ट आप लोगों को पता होगा, डेन्यूब, ठीक है। 4, वाशिंगटन पोटोमैक, तो 31 42 सी ऑप्शन होगा, ठीक है। 31 42 सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। अगला दिया, विश्व में सबसे छोटा संप्रभु देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन बता चुके हैं। अगला दिया, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, बताइए। 48 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन, 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 49 का डी ऑप्शन, सरोजिनी नायडू ने किया था। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किसने किया था, वो सरोजिनी नायडू जी ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी, ठीक। कहाँ पर स्थापना की थी? तो बम्बई में की थी, याद कर लेना, राइट ऑप्शन आपका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एसएससी सीजीएल के ऐसे ही मैं रेगुलर आपको प्रैक्टिस चलाता रहूँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और एसएससी सीजीएल का किसी का भी प्रैक्टिस चाहिए आप लोग कमेंट बता देना, आपको लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।